Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, let's talk about business risk. Let's talk about nature of business risk. What is risk? Risk is a possibility that something bad may happen in the coming future. Business risk में क्या होता है, जो भी अपना business establish करते हैं, so always there is a factor of risk कि हो सकता है उनको जो inadequate profits ना generate हो या फिर losses incur करना पड़े. So if we talk about the nature of features of risk, business risk specifically, business risk arise due to uncertainties. अगर हमें पहले से ही पता हो कि ये problem आने वाली है तो obviously you can rectify it, but risk may arise due to uncertainty. वो uncertainty हमारे external environment में हो सकती है, like we don't know what is going to happen the very next moment. कुछ आपके demand and supply में change आ सकते हैं, taste and preference of customer change हो सकता है, कुछ और competitors आपके add हो सकते हैं, कुछ government की नई policies आ सकती हैं. So there are so many uncertainties. So that's why risk is an essential part of every business, whether it's a small business or a large scale business. Har business mein kuch level of risk hamesha involve rehta hai. Degree of risk mainly depends on the nature and size of business. Ab kis tarah ka aapka business hai, nature means whether you are dealing with goods, whether you are dealing with services. Services hai to kis tarah ki services mein aap deal kar rahe hain, insurance services hai, banking services hai, ya agar goods ki baat kare to kis tarah ke goods ki aap baat kar rahe hain. तो जिस तरह का आपका प्रोडक्ट होगा, इफ यू टॉक अबाउट पेरिशेबल आइटम्स, पेरिशेबल आइटम्स क्या होते हैं, जो आपके जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, तो उस केस में आपका क्या होता है, रिस्क जो होता है रन करने का वो बढ़ जाता है. या उस तरह के हम गुड्स की बात करें जिनकी फ्रीक्वेंटली आपके डिमांड में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे आपके लेट्स टॉक अबाउट योर फैशन इंडस्ट्री, तो बहुत फ्रीक्वेंटली उसमें क्या होते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स चेंज होते रहते हैं. या आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, किस तरह का बिजनेस है, प्लस किस साइज का बिजनेस है, आप किस लेवल पे उसे ऑपरेट कर रहे हैं. ऑब्वियसली अगर आपका स्मॉल सेटअप है तो आपका रिस्क भी क्या होगा, स्मॉल होगा. अगर जितना बड़ा सेटअप होगा उतना ज़्यादा रिस्क आपको बियर करना पड़ेगा. प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग. आप जो भी आप बिजनेस स्टेब्लिश करते हैं तो उसमें रिस्क का फैक्टर तो होता है, लेकिन जितनी ज़्यादा आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है उतनी पॉसिबिलिटी भी होती है कि आपको उतना प्रॉफिट जनरेट हो पाए. क्योंकि अगर आपने रिस्क ज़्यादा लिया है तो लॉस की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर उसमें आप प्रॉफिट इंकर करते हो तो वो प्रॉफिट किस तरह से काम करता है, इट एक्ट्स एज अ रिवॉर्ड कि जो आपने रिस्क लिया था, जो आपने एफर्ट्स लगाए थे, सो प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. Let's move on to causes of business risk. Now, what are the factors that contribute to risk in any business? There are various factors. There may be natural factors or natural causes, like if we talk about earthquake, flood, any natural disaster, which is obviously not under our control. So, इस तरह के जो factors होते हैं वो definitely एक तरह का risk generate करते हैं किसी भी business के लिए. Human factors क्या हो सकते हैं? Like if there is any sort of strike, लॉकआउट, किसी तरह का ग्रीवेंस है वर्कर्स में, किसी तरह का मिसमैनेजमेंट हो रखा है, और दे मे बी इनएफिशिएंसी और डिसलॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉयज. तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस रिस्क को. एज वी आर गोइंग टू डील विद द ह्यूमन रिसोर्सेज, कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, तो उनके पार्ट में अगर कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती है, सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू एड अप टू द रिस्क. थर्ड वन इज इकोनॉमिक फैक्टर्स और इकोनॉमिक कॉजेस. अब इकोनॉमिक कॉजेस में आपका आ जाता है जैसे क्या क्या टैक्सेस हैं, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, या फिर आपका डिमांड एंड सप्लाई की क्या सिचुएशन है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल किस तरह के हैं. अगर प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गए हैं सो डेफिनेटली जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसके भी आपको प्राइस रेज करना पड़ सकता है, या फिर अगर आप प्राइस सेम रखते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ मैनुफैक्चरिंग अगर बढ़ गई है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो डेफिनेटली दीज आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बिजनेस. अदर फैक्टर्स में आपका आ सकता है कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसे कि अगर कुछ पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट हो गया, कुछ ऐसी इनस्टेबिलिटी है, या फिर आपका कुछ मशीनरी फेलियर हो गया जो एक्सपेक्टेड नहीं था. सो दीज आर ऑल आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू रिस्क ऑफ एनी बिजनेस. Keep learning and keep growing.